अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्लू मून किचन में आज हम बनाएंगे ऑस्ट्रियन स्टाइल आलमंड केक। ऑस्ट्रिया में तकरीबन ये सदियों से बनता चला आ रहा है और वहाँ पे इसको लिंजर थोरते कहते हैं। जी तो लिंजर थोरते बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 200 ग्राम मक्खन, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, 160 ग्राम पाउडर शुगर इसमें जाएगी और 2 अंडे की जर्दी और 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह पेस्ट सी बन जाए तो फिर हम इसमें 200 ग्राम मैदा और 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर, ये दोनों चीज़ें इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही 250 ग्राम पिसे हुए बादाम जो हैं वो डाल देंगे। जी सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसको निकाल के इसका एक पेड़ा सा बना के इसको 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूंगा। जी तो 1 घंटा इसको मैंने रेफ्रिजरेट किया है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा मैदा इस पर छिड़क के तो इसके 2 हिस्से बनाऊँगा। आधा जो है वो मैं अब एक 26 सेंटीमीटर का जो पैन है, केक पैन लेके उसमें रख दूँगा और जो आधे से थोड़ा सा कम है वो मैं आपको बताता हूँ उसके किस तरह से ये रोल बना के तो ये ऊपर लगाने हैं। अब हम इसके ऊपर 200 ग्राम बेरीज़ का जैम, कोई भी जैम ले लें आप, इसके ऊपर अच्छी तरह से वो पूरा 200 ग्राम जो है वो डाल देंगे और उसके ऊपर ये जो मैं बना रहा हूँ तकरीबन ये रस्सी टाइप, इसको आप कह सकते हैं आपकी उंगली की जितनी मोटाई है तकरीबन ये इतना होना चाहिए। इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन दे लें। तो 1 अंडे की जर्दी ले के वो ब्रश की मदद से आप इसके ऊपर लगा दें। ये मैंने थोड़े से आलमंड फ्लेक्स लिए हैं, ये थोड़े से साइडों पे लगा देंगे इसके और प्री हीट ओवन में इसको हम करेंगे 160 पे 45 मिनट के लिए। जी तो पूरे 45 मिनट्स लगे हैं इसको, ये देखें कितना अच्छा तैयार हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। अब हम इसको चेक करते हैं। बिल्कुल आलमंड बटर कुकीज़ की तरह जायका है इसका, तो साथ ही साथ जैम का जायका जो है वो भी मुँह में आ रहा है, तो ज़रूर ट्राई करें। और दूसरा ये कि ये ख़राब नहीं होता, बगैर फ्रिज के भी आप इसको 2 हफ्ते तक तकरीबन जो है वो रख सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये 1-2 दिन से ज़्यादा चलेगा। एक पीस आप खाएँगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपका दिल करेगा फ़ौरन खाने को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।